यदि आप ब्लॉगर वेबसाइट यूज कर रहे हैं और आपने कलर 3 मिनिमा मैक टेम्पलेट आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपने उसमें देखा होगा कि नीचे लिखा रहता है MC3 एडमिन और आप इसको रिमूव करना चाहते होंगे, लेकिन ये रिमूव नहीं हो रहा होगा। ये MC3 एडमिन इसको कैसे मॉडिफाइड किया जाएगा, कैसे इसको यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह आप अपना अबाउट अस या अपने बारे में क्या लिखना चाहते हैं, ये कैसे लिखेंगे, इसी के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। और इसको बताने के लिए हम चलेंगे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे कि जो भी वीडियो हम आपको बनाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ से खोलते हैं गूगल क्रोम और यहाँ से खोलते हैं अपनी ब्लॉगर वेबसाइट blogger.com। ये दोस्तों आ गई ब्लॉग वेबसाइट, मेरी ये डेमो वेबसाइट है आप लोगों को दिखाने के लिए। दोस्तों जब आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट खोलते हैं और उस पर जो पोस्ट आपने कर रखी है उस पर जब ओपन करते हैं आप, तो जो भी पोस्ट लिखी है उसके नीचे आप देखते हैं ये एक पोर्शन दिखाता है अबाउट एडमिन MC3 और यहाँ पे ये एरर का निशान दिखाता है। दोस्तों आज इसके दो ऑप्शन आपको बता रहे हैं, या तो आप ये पूरा रिमूव कर दीजिए नंबर 1, और नंबर 2 यहाँ पर अपनी आप पिक लगा दीजिए, कोई फोटो लगा दीजिए अपनी, ये लोगो लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये एडमिन MC3 है इस पे अपना नाम लिख लीजिए, ये अपने ब्लॉग पेज का टाइटल डाल दीजिए और यहाँ अपने बारे में आप 2-3 लाइन लिख दीजिए। ये दो ऑप्शन है, यहाँ अपनी फोटो लगाइए, यहाँ कुछ अबाउट लिख दीजिए, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए और टाइटल डाल दीजिए, और ये कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको पूरा रिमूव कर दीजिए। दोनों ऑप्शन आपको बताते हैं। और दोस्तों इससे सरल तरीका और कोई नहीं है, और ये इतना आसान तरीका है दोस्तों शायद ही कोई ये आपको बताया हो किसी ने, इतना सरल इतना आसान तरीका। ना आपको, ना मैंने कोई डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ना मैंने आपको कोई कॉपी पेस्ट करने को बोला है कि मैंने लिंक दिया हुआ है, या मैंने कुछ नीचे लिख के दिया हुआ है, कोड लिख के दिया हुआ है कि आप उस कोड को लेके आना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। कोई कोड नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं, कोई पेस्ट नहीं, जो कुछ करना है आपको यहीं से करना है, इससे आसान तरीका और कोई नहीं आपको बताएगा। तो दोस्तों ये इतना सरल तरीका है, आइए ये तरीका इतना सरल है दोस्तों कि आप मिनटों में इसको कर लेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हम चेंज करते हैं, दोनों ऑप्शन आपको दिखाते हैं, जो आपको बेटर लगे वो करिएगा। इसके लिए दोस्तों चलेंगे हम अपनी सेटिंग की तरफ। ये आ गए सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद जाएंगे हम थीम पर, थीम पर जाने के बाद जाएंगे ये कस्टमाइजेशन पर। और दोस्तों जब भी आप ये चेंज करें उसके पहले आप इसका बैकअप जरूर ले लीजिएगा, तो बैकअप पे क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा थीम डाउनलोड हो गई है। इसके बाद हम जाते हैं एडिट HTML पर, ये हमारी कोडिंग ओपन हो गई है, अब हम यहाँ जाएंगे। तो दोस्तों पहले हम इसको चेंजेस करने का तरीका बताते हैं, फिर रिमूव कर देंगे। पहले इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर हम फोटो लगाएंगे, इसका नाम चेंज करेंगे, यहाँ अपने बारे में लिखेंगे, इसको कैसे करते हैं पहले हम आपको ये बताते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप ये जो लिखा हुआ है दिस इज ए डमी टेक्स्ट, इसको हमने कॉपी कर लिया, एक लाइन आधी लाइन जो आप चाहें, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने एडिट HTML पेज पे आ जाते हैं। कहीं पर भी आप आउटर साइड में क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल F दबाइए, ये ऊपर सर्च बार ओपन हो जाएगी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, ये आ गया दोस्तों दिस इज ए डमी टेक्स्ट, इट इज नॉट मीन टू रीड, अकॉर्डिंगली इट इज डिफिकल्ट टू फिगर, ये लिखा हुआ है। हम यहाँ पर आ गए हैं और आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है ये एडमिन MC3। इसके ऊपर हम जाते हैं, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है अबाउट और ये लिखा हुआ है एडमिन MC3। तो ये एडमिन MC3 हम इसको चेंज कर देते हैं, जैसे मेरा ये है, मेरा है देसी इंडियन रैपर, तो यहाँ पर एडमिन MC3 को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ देसी इंडियन रैपर, ये लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने देसी इंडियन रैपर, और ये अबाउट को रहने देते हैं, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज ए डमी टेक्स्ट, इसकी जगह हम डाल देते हैं जो मैंने अपना अबाउट अस का पेज लगाया हुआ है, इसको फिर कर लीजिए अबाउट अस का पेज, ये मैंने लिखा है वेलकम टू देसी इंडियन रैपर, माय नेम इज धीरेन्द्र कुमार सक्सेना। यहाँ से आप इतना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ आते हैं और जो दिस इज है ये लाइन मेरी ख़त्म होती है, आप देख रहे हैं पीरियड तक आप देख लेते हैं, पीरियड तक
तो ये पीरियड तक इसको हम सिर्फ पीरियड तक हटाएंगे। ये देख लीजिए ध्यान से, आप देख लीजिए डमी टेक्स्ट, यहां से मैंने शुरू किया और ये पीरियड पे जाके जहां पे एंड होता है यहां तक इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये डिलीट कर दिया। कर्सर वहीं पे रहेगा और यहां पे जो मैं कॉपी करके लाया हूं उसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। वेलकम टू देसी इंडियन रैपर्स, और ये कॉलेज तक मैंने पेस्ट कर दिया। दो चीज हो गई दोस्तों, और इसको यहां से हम कर देते हैं सेव। प्रोसेसिंग अपडेट सक्सेसफुल। अब हम देख लेते हैं क्या हुआ, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, देसी इंडियन रैपर्स, वेलकम टू देसी इंडियन रैपर्स, एक ब्लॉग जो मैंने वहां पर टाइप करके लाया था वो मैंने यहां पे पोस्ट कर दिया। अब आपका ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर फोटो लगाना है आपको, और ये फोटो कैसे लगेगी ध्यान से देखिएगा। इसी ब्लॉग में हम नीचे जाएंगे और ये ऑथर के नीचे यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है, मैंने यहाँ पे लगा रखा है ये लोगो। इस लोगो पे आप क्लिक करिए, ये आपका प्रोफाइल का पेज खुल जाएगा और यहाँ पर ये लिखा हुआ है व्यू फुल साइज, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये मेरा जो लोगो लगा हुआ है उसका ये ऊपर आप देख रहे हैं URL आ गया, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये PNG पे ख़त्म हो रहा है। PNG के आगे कर्सर रखिए, डबल क्लिक कर दीजिए तो आपका ये एक्सटेंड हो गया, देख रहे हैं दोस्तों। इस पूरे को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फिर आ जाइए कोडिंग पे, और अभी हमने जहाँ पे ये चेंज किया है आप इसके ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, ये मैंने देसी इंडियन रैपर चेंज किया था अभी, और थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है http://2.bpbloggerspot.com, और ये ख़त्म होता है userava.png। इसको आप http से सिलेक्ट करिए, आप देख रहे हैं, और ये PNG तक बस, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कहाँ पे किया है मैंने। ये जो HTTP जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे ख़त्म होता है PNG पर, इतना मैंने डिलीट कर दिया। कर्सर वहीं रहेगा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया जो मैं वहाँ से लेके आया था 3.bp.blogspot.com, जो मैं लाया था ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। प्रोसेसिंग, ये देखिए अपडेट सक्सेसफुली। हम जाते हैं ब्लॉगस्पॉट पे, बैक जाते हैं और यहाँ पे एक बार हम रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये देखिए ये आ गया, फोटो आ गई, ये आपका पूरा चेंज हो गया। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है, इससे सरल उपाय, इससे सरल तरीका दोस्तों और कोई नहीं है। इतना सरल तरीका और कोई आपको नहीं बताएगा इतने आसानी से इसको पूरा चेंज करने का। तो पहला मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आप ऐसा कर लीजिए, और अगर आप यहाँ पर ये लगाना ही नहीं चाहते, हटाना चाहते हैं, तो इसका अब सेकंड ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। वापस जाते हैं, आपको हम फिर शुरू से दिखाते हैं दोस्तों। थीम पर आ गए, अब दो तरीके हैं दोस्तों, या तो जो मैंने ये बनाया हुआ है इसको ही डिलीट करके हटा दूं, या वापस जैसा पहले था मैं वैसा ही कर देता हूं, तो आप ये भी सीख जाएंगे। मैं जाता हूँ, ये देखिए थीम पर आ गए। थीम पर जाने के बाद जाते हैं कस्टमाइजेशन पर, और मैंने जो पहले बैकअप लिया था अभी वो बैकअप मेरा ये यहाँ पर डाउनलोड है। मैं जाता हूँ रीस्टोर पे, यहाँ पे मांग लिखा हुआ है ये अपलोड, मैं अपलोड करता हूँ।
और डाउनलोड में ये थीम मेरी जो मैंने अभी डाउनलोड करी थी, इस थीम को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है रिस्टोरिंग थीम और रिस्टोर्ड थीम रिस्टोर्ड हो गई। हम फिर जाते हैं ब्लॉग पेज पे अपने, रिफ्रेश करते हैं और दोस्तों देखिए जैसा पेज पहले था फिर वैसा ही पेज ये वापस अपनी जगह पर आ गया है। जो मैंने चेंजेस कर दिए थे वो मैंने रिस्टोर कर दिया है। अब इसको हटाना है आपको, इसको हटाने के लिए फिर वही तरीका है दोस्तों, यहाँ से ये लाइन कॉपी करते हैं, सेटिंग पे जाके थीम पर जाएंगे, कस्टमाइजेशन पर जाते हैं, एडिट HTML पे जाएंगे, कर्सर कहीं आउटर रख के कंट्रोल F किया, सर्च ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया और ये आ गया दिस इज डमी टेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, और इसके ऊपर चलते हैं, आप देखते रहिएगा, इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर आते हैं, आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है डिव क्लास ऑथर कंटेंट, आप देख लीजिए ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, ये मैं जो ये लाइन जो मैंने अभी आपको ये येलो कलर में दिखा रहा है, इसके ऊपर आ जाइएगा, ऑथर कंटेंट पे आइएगा, ये आ गई लाइन, इसको सिलेक्ट कर लीजिए एक, इसको डिलीट कर दिया, बैक स्पेस ले लिया, वापस आ गए। इसके बाद दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हैं वहां पर जो इमेज लगी हुई थी ये वाली, इसको भी हटाना है, मतलब पूरा पेज हटाना है, तो एक एक करके हटाएंगे। तो अब ये हटाना है, इसको हटाने के लिए ये जो इमेज लिखा हुआ है IMG अल्टर क्लास अवतार अवतार फोटो, देखिए लिखा हुआ है फोटो, और यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट शो इट, इसलिए यहाँ पे पिक्चर शो नहीं कर रही है, इसको सिलेक्ट करना है। आप ध्यान से देखिए कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना है, डिव क्लास से जाके शुरू होता है, ये लाइन मेरी खत्म होती है, ये वही लाइन है दोस्तों, ये देख रहे हैं ये वही लिंक है जहाँ पर आपने अभी अपनी फोटो लगाई थी, इस लिंक को हटा के URL को हटा के PNG तक, और आपको ये कंप्लीट यहाँ और इसके आगे भी चल रहा है डिव तक, बस एक डिव, ये देखिए दोस्तों IMG अल्टर से शुरू होके आप ये लाइन पूरा कर लीजिए और ये ख़त्म होता है पहला DIV पर, इसको आप डिलीट कर दीजिए, बैक स्पेस दे दीजिए, वापस आ गए। इसके बाद वहाँ पे था अबाउट, हमें अबाउट भी हटाना है, ये दोस्तों देखिए, और ये H2 से शुरू हो रहा है और H2 पे ख़त्म हो रहा है, इस लाइन को भी हम हटा देंगे दोस्तों। बड़े ध्यान से देखिएगा, इस कोडिंग में कहीं गड़बड़ मत कर दीजिए, कहीं और एक्स्ट्रा कुछ आप डिलीट नहीं कर दें, इसलिए देखिए H2 अबाउट ऑथर टाइटल पोस्ट एडमिन, यहाँ पर आपने भी नाम चेंज किया था एडमिन NC3, ये वही लाइन है, उसके पहले अबाउट लिखा हुआ था, देखिए ये अबाउट लिखा हुआ है, ये एडमिन NC3 लिखा हुआ है, तो ये एडमिन NC3 लिखा हुआ है और ये अबाउट लिखा हुआ है, यही लाइन आपको सिलेक्ट करना है और इसको भी डिलीट कर देना है, डिलीट कर दिए दोस्तों। और इसके बाद अब आप आते हैं लास्ट, ये P से शुरू होता है, दिस इज ए डमी टेक्स्ट, और ये ख़त्म होता है एक DIV पे, ये इतना, इसको भी आपने डिलीट कर दिया, बैक स्पेस दिया, आपने डिलीट कर दिया और यहां से इसको सेव कर दीजिए, प्रोसेसिंग
ये अपडेट सक्सेसफुल आ गया दोस्तों। अब हम चलते हैं पेज पर, रिफ्रेश करते हैं। और दोस्तों ये देखिए वो हट गया, जो यहाँ पर था नीचे ये आपने हटा दिया। तो दोस्तों कितने आसानी से ये हट गया है आप देख रहे हैं। तो आप इसको ऐसे हटा सकते हैं। इससे सरल तरीका दोस्तों और आपको कोई नहीं है। दोस्तों आप इसको हटाएंगे पूरा या इसको आप चेंज करेंगे, यहाँ अपनी फोटो लगाएंगे, ये अबाउट लिखा रहने दीजिए, या आपको कुछ और लिखना है तो आप और लिख दीजिए। एडमिन MC3 जगह आप अपने टाइटल डाल दीजिए, अपने ब्लॉग पेज का जो आपका टाइटल है वो डाल दीजिए, यहाँ अपने बारे में लिख दीजिए, या आपको कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख दीजिए। एक तरीका। दूसरा तरीका इसको यहाँ से हटाने का है, समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस टाइप के छोटे छोटे वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।